देखिए पाकिस्तान की कहावत है हम धरीवर्तन, उनकी जो रीति है वो है धर्म परिवर्तन, हमारा है दिल परिवर्तन। हिंदुस्तान में दिलों का परिवर्तित किया जाता है, पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन। और स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है बचपन से कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, उनको बलि नहीं देने देते, हिंदुस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है। वो ये कहते हैं हम, हमारा ये मुकद्दर खराब था जो हमें ना उस टाइम पर हिंदुस्तान के साथ नहीं गए। कहते हैं आज अगर यहाँ पर काउंटिंग कराओ तो हम सब यही बोलेंगे कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। मेरा नाम मधु गुप्ता है जी। सवाल दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में मानव अधिकार का रोना रोता है, श्रीलंका की टीम जाने से मना कर देती है पाकिस्तान में, कहती है डर लगता है, उनके खुद के विधायक भारत आने के बाद कहते हैं हमें यहाँ दे दीजिए नागरिकता, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। मैं आई विटनेस हूँ पाकिस्तान में जो हो रहा है ना उसके, मैं आई विटनेस हूँ। आपको बताऊँ कहाँ कहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन वो कर रहे हैं। सिर्फ वो कश्मीर का रोना इसलिए रोते हैं ताकि अपने आवाम का मुंह बंद कर सके, उनको पर्दा डाल सके। आपको मैं सिंध से ले चलती हूँ, जो अल्ताफ भाई इंग्लैंड में बैठे हैं जिन्होंने ये कहा सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, वहाँ उनकी जो MQM है, मुत्तेदा कौमी मूवमेंट पार्टी है, उन्होंने तब बनाई जब इन पर जो है बहुत जुल्म होने लगे थे। तो जब इनके जुल्मों की वही उन्होंने एक पार्टी बनाई, खून खराबे वहाँ होते, आज भी वहाँ 3 कटी पहाड़ियाँ हैं सिंध में, वहाँ बलोचों को हर रोज 50 से 100 बलोचों की लाश गिरती है। और सिंध का ये हाल है कि 250 से 300 लाशें रोज गिरती हैं। वहाँ DSP सरेआम असलम साहब एक DSP थे, जब जरदारी साहब वहाँ के राष्ट्रपति थे तो वो सरेआम लेकर है ना बंदूक चलते थे और ठां ठां कराची के अंदर करते थे। औरतें कहती थी 10 बजे तक अगर गोली नहीं चले तो कहती आज शांति कैसे कराची में। कराची का ये हाल है। लाहौर में आपको बता दूं, आप अनारकली बाजार में चले जाइए, जितने हिंदू थे वो सब मुसलमान हो गए, खून के आंसू रोते हैं, कपड़े की इंडस्ट्री इन्होंने ख़त्म कर दी है। आप कश्मीर में चले जाइए, कश्मीर में एक भी कश्मीरी जो है सेफ नहीं है। वो ये कहते हैं इससे तो बढ़िया था हम पर है ना, मतलब जो है हमारे पे जो जलजल आया था हम इसमें है ना मर जाते। खाने को वहाँ नहीं है, पीने का पानी वहाँ नहीं है, एजुकेशन वहाँ नहीं है, है और डेवलपमेंट वो कोई नहीं है, तो वो क्या करेंगे। वो ये कहते हैं हम, हमारा ये मुकद्दर ख़राब था जो हमें ना उस टाइम पर हिंदुस्तान के साथ नहीं गए। कहते हैं आज अगर यहाँ पर काउंटिंग कराओ तो हम सब यही बोलेंगे कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। बोलते हैं प्रधानमंत्री अगर हमें आज़ाद करा दे तो उनकी मूर्तियाँ बना के हम पूजेंगे। हाँ बिल्कुल कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो वहाँ पर ये कहते हैं कि एक लोन साहब आते हैं News 18 पर, वो ये कहते हैं अरे हमारी विधायिका जी से नहीं पूछा और हमारा ना झंडा छीन लिया, और ना उनके पाकिस्तान के कश्मीर में तो प्रेसिडेंट भी है प्रधानमंत्री भी है, अरे उन लोन साहब से पूछो, वो नाना पाटेकर स्टाइल में सिर पीटते हैं। और वो ये कहते हैं भाई आप कश्मीर में जाके देखो, जो वहाँ का जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर का इन्होंने प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बनाया हुआ है उसका क्या हाल है। वो वहाँ पूरी इंटरनेशनल बिरादरी में कश्मीर के नाम पे पैसे मांगते हैं और उन्हें इटली में फ्रांस में स्पेन में हर जगह अपने विले बनाए में कश्मीर में चवन्नी नहीं देते वो जी। तो मतलब खुद के घर शीशे पर बना हुआ है और दूसरों पर पत्थर मार रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की कहावत है हम धरीवर्तन, उनकी जो रीति है वो है धर्म परिवर्तन, हमारा है दिल परिवर्तन। हिंदुस्तान में दिलों का परिवर्तित किया जाता है, पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन किया तो जाता है। यही खौफ विधायक को सताया मैम कि भाग्य वो सरदारी है, वो पंजाबी है, मूल वो पंजाबी है, इसलिए वो भाग के आगे उन्होंने देखा पंजाबियों की लड़कियों। मैं कहती हूँ हर दिन ये तो कहते हैं 20 लड़कियाँ हर दिन वहाँ पर कराची में 150 से 200 लड़कियाँ अगवा की जाती हैं। और स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है बचपन से कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, उनको बलि नहीं देने देते, हिंदुस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है जी। ये वहाँ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये मेरे से खुद एक बच्चे ने वहाँ पूछा क्या हिंदुस्तान में ऐसा होता है। मैंने कहा मैं आपका वीजा लगवाती हूँ, आप आइए हमारे हिंदुस्तान में और बात कीजिए। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है जो कांग्रेस ने 70 साल राज्य किया ना, वो जो 1947 से पहले के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके नाम पर खाया, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद राष्ट्रवाद खत्म हो गया, क्षेत्रवाद की राजनीति चल गई। आप UP में देख लीजिए क्षेत्रवाद है, दलित हैं, मुसलमान हैं, बिहार में चले जाइए यादव हैं और किसी हिस्से में चल जाइए। क्षेत्रवादी पार्टियों ने नाश किया देश। तो ये जो है ये जो क्षेत्रवादी पार्टियां ये बरसाती मेंढक की तरह हैं, एक साल इनको अजमाते हैं, दूसरे साल इनको जो है वोटर जो है जूते मारते हैं। तो मैं जो ये कहना चाहती हूँ मोदी जी जो है उन्होंने कहा एक नेशन एक विधान एक बात,
वो राष्ट्र की बात करें इसलिए कामयाब हैं। जो सरदार पटेल हैं उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक किया, इसीलिए सरदार पटेल जी का जो नाम है आज भी स्वर्ण अक्षरों में लोग लेते हैं। और यही बात मोदी जी ने जो है सरदार पटेल जी की जो वो थी नीति, वो आज टोटली सरदार पटेल की नीति पर चल रहे हैं जी। और इसी कारण मोदी जी जो है आज कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं।